हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जनरल स्टडी के टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का उदाहरण है। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। एंजियोस्पर्म के किस कुल से गणना संबंध है? ग्रेमिनेसी कुल से। ऋग्वेद में दीर्घकालीन या आजीवन अविवाहित कन्या को क्या कहा जाता है? अमाजू। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। शेन वॉन्स सेंचुरी माय टॉप 100 टेस्ट क्रिकेटर्स किसकी लिखी पुस्तक है? शेन वॉन। भारत में पहली कृषि जनगणना किस वित्तीय वर्ष में हुई थी? 1970 से 1971 में। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? अनार्यों के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1979 में। एक आदमी 5 kg का सूटकेस पकड़े हैं तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है? शून्य। यदि राष्ट्रपति यह चाहता है कि किसी बात पर मंत्रिपरिषद विचार करे तो वह इसकी सूचना किससे देता है? प्रधानमंत्री को। किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? 2 गुना। गोपद ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? अथर्ववेद से। मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1947 में। कोटोपेक्सी पर्वत किस देश में स्थित है? इक्वेडोर में। एक कोशिकीय जीव का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? ल्यूवेनॉक ने। केवल किसके प्रयोग के लिए भुगतान को आर्थिक लगान कर दें? भूमि के प्रयोग के लिए। इल्तुतमिश के राज दरबार में किस इतिहासकार को संरक्षण मिला था? मिन्हाज उस सिराज को। मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। सेब का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? गुद्देदार पुष्पासन। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ और कब खोली थी? मुसलीपट्टनम में 1611 में। नील विद्रोह का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियट के संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन क्षेत्र। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ था? अल्पाइन हलचल के दौरान। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था? लॉर्ड वेलेजली। हरित क्रांति का प्रभाव किस तरह के फसलों पर नगण्य या अत्यंत कम रहा? मोटे अनाजों पर। पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? मदुरई। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली।